मेरा इसका पैसा जमा है, देख लिया रिजल्ट जमा है, बताओ अब हम क्या करेंगे। अच्छा तो सर मतलब अच्छा और बताते हैं तुम लोग को, लेकिन देवी ने किया 384 दिया, अब हम क्या करें बताइए। हाँ हाँ ठीक है सर, मतलब क्यों नहीं दिया सर, दिया क्यों नहीं सर। अच्छा आज तक हम देखो बता आगे क्या होगा सर, परीक्षा अप्रैल में होगा समझिए ना, और तुम लोगों का रिजल्ट जैसे सब विद्यार्थी का होगा मई जून में, तैसे तुम्हारा भी रिजल्ट साथ ही आएगा। मैं आश्वासन देता हूँ कि रिजल्ट जब भी होगा, चाहे जिसका परीक्षा फरवरी में हो रहा है, जिसका परीक्षा अप्रैल में होगा, दोनों का रिजल्ट साथ ही होगा, आगे पीछे कभी किसी का नहीं होगा। देखो तुम लोग बताते हो पूरा बता दो, कोई समस्या का हम आपसे क्या हो जाए कि सर आग लगा दिया, जैसी बुलाए ना यहाँ तब हम लोग वहाँ गए। तैयार करने के लिए बात होगा, जैसा निर्देश होगा तो होगा सर, लेकिन कॉलेज प्रशासन चाह रहा है कि हम लोग सबको मिल करके आपस से बैठ करके वार्ता करें, और उसके बाद आग लगाने वाला है और कुछ उसी में लड़का मिझाने वाला है, तो किस पर FIR होगा। सर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं सर, आगे से कुछ ऐसा नहीं होगा। ओके सर थैंक यू जी। सर लड़का बहुत सहयोग कर रहे हैं। हेलो तुम फसवे करोगे तुम्हारा प्रशासन का क्या इंटेंशन है बताइए। प्रशासन इसका इंटेंशन है कि आप FIR कीजिए। FIR कीजिए, रोड काम कर रहा है।
हम किसका नाम देते हैं? तुम भी मेरा बच्चा है, तू भी मेरा बच्चा है। लोगों का नाराजगी है सर कि हम जो हैं से 966 लड़का के लिए जो है से साइंस में जो है से सीट वृद्धि के लिए जो है से हमने पैसा जमा किए हैं, रिजल्ट जमा किए हैं, लेकिन इंटर काउंसिल जो है से मुझको जो है से 384 का रजिस्ट्रेशन करवाया और 582 का नहीं करवाया। इसके लिए जो है से हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से जो है से चेयरमैन से बात करवाएँ, उन्होंने आश्वासन दिए कि ठीक है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद जो है से हम शिक्षा मंत्री के पास गए, उनसे भी सारी बात हुई, उनसे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है से फिर अवधेश नारायण सिंह पूर्व विधान परिषद के पास गए, उन्होंने चेयरमैन से भी बात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिए कि ठीक है हम आपकी समस्या को हम समझ लेंगे, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसके बाद जो है से माननीय जो है से सांसद महोदय डॉक्टर सीपी ठाकुर के पास भी गए हैं, उन्होंने जो है से मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन अंतोगत्वा बातचीत नहीं हुई। अंत में जो है से मैं जो है से मोकामा विधायक अनंत सिंह के पास गए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किए कि सर आपसे मेरा निवेदन है कि किसी तरह से हमको जो है से चेयरमैन माननीय जो है से आनंद किशोर से हमको बात करवा दीजिए। उन्होंने जो है से तुरंत फ़ोन लगाए, आनंद किशोर से बातचीत हुई, उन्होंने कहे कि ठीक है मैं बातचीत करेंगे। जब आनंद किशोर के पास मैंने गए तो उन्होंने पूछे कि आप किस लिए आए हैं? हम कहें जे सर बजरंग कॉलेज से आया हूँ, मेरा 966 लड़का का जो है से आईएससी में रिजल्ट जमा है, सीट वृद्धि का पैसा जमा है, लेकिन अभी तक मुझे जो है से 384 सीट का ही जो है से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन 582 का नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? हम कहें सर मेरा जो है से 2006 में जो है से 150,000 जो है से सुरक्षा कोष में पैसा जमा हुआ है, डीओ साहब का जो है से फेवर में मेरा रिपोर्ट लगा हुआ है कि इनको जो है से अफिलेशन दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है से आपने अफिलेशन नहीं दिया। मैं उनसे पूछा कि ये काम आपका है कि मेरा काम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा काम है। तो हम कहें कि जब आपका काम नहीं है सर तो हम प्रत्याशा में जो है से पूर्व वर्षों की भांति जो है से हमेशा आप हमको सीट वृद्धि देते आए हैं, करते आए हैं। उसी आधार पर मैंने जो है से फिर जो है से इन साल जो है से साइंस में 966 लड़का का एडमिशन ले चुका हूँ, लेकिन अभी तक आपने एडमिशन 384 का रजिस्ट्रेशन करवाएं, शेष 582 का नहीं करवाएं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपने गलती की है प्रिंसिपल साहब, आप पर FIR होगा। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि सर आप हम पर FIR कीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, लेकिन 582 छात्रों का मेरा रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए। तो उन्होंने कहे कि इसके लिए नियम में संशोधन करवाना पड़ेगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपके कलम में ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमको जो भी पनिशमेंट दीजिएगा हम सहने के लिए तैयार हैं। उनसे फिर एक चीज़ के लिए आग्रह किए कि सर जिस विद्यार्थी का इस साल रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो 2 साल वंचित हो जाएगा, इसलिए कि आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाए हैं, इस साल उन लोगों का ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो चुका है, इसलिए अगले साल भी वंचित हो जाएगा। तब फिर उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं। उन्होंने कहें कि बोलिए क्या है। हम कहें सर अगर संभव नहीं है तो हमको किसी दूसरे कॉलेज में भी टैग कर दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहे कि ठीक है हम इसके लिए हमको जानकारी नहीं है, हम जो है से डायरेक्टर से बात करेंगे तब हम आपकी समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी समस्या का समाधान नहीं किए। अंत में जो है से हमको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट में जो है से हम जो है से नवंबर जो है से 5 नवंबर को हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में मेरा केस लंबित है। इसी आधार पर एक कॉलेज का जो है से मुजफ्फरपुर नर्सिंग नारायण सिंह कॉलेज का जो है से उनको जो है से अप्रैल में समय दिया गया है कि श्रेष्ठ विद्यार्थियों का जो है से अप्रैल में परीक्षा ले लेंगे, और इन लोगों का भी रिजल्ट जो है से सभी छात्रों की तरह जो है से इनका भी साथ साथ रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। इसलिए मैं भी चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट किए हैं जाके कोर्ट में कि सर मेरा वकील साहब से कि सर उसी आधार पर मुझको भी हमको करवा दीजिए। उन्होंने कहे हैं कि आपका भी उसी आधार पर हो जाएगा। मैं इसके लिए सतत प्रयत्नशील हूँ और विद्यार्थी मेरा पूंजी है, विद्यार्थी के साथ मेरा कोई झगड़ा झंझट नहीं है, विद्यार्थी का गुस्सा जो है वह सही है इसको मैं मानता हूँ, हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, इस भूल को मैं मानने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन इसके लिए मैं बहुत प्रयास किए, मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे समय नहीं दिया सर। लेकिन मैं विद्यार्थी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थी से आश्वासन देते हैं कि अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी और रिजल्ट जो है से सबके साथ होगा, किसी के लाइफ के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी मेरा पूंजी है, जब विद्यार्थी है तब हम हैं, हम हैं तो विद्यार्थी है सर। लेकिन विद्यार्थी लोग जो कुछ विद्यार्थी लोग जो है से कॉलेज में जो तोड़फोड़ किए हैं, आगजनी किए हैं, इससे जो है से ये सार्वजनिक संस्था है, मेरा पर्सनल संस्था नहीं है, अगर इसमें लॉस होता है तो उनका भी लॉस होता है, मेरा भी लॉस होता है सर। 1978 से संचालित है,
स्थापना काल से IISc का फॉर्म BABSc भरा रहा है, लेकिन पूर्व में छात्रों की इतनी संख्या नहीं बढ़ती थी, सीट वृद्धि ने जरूरत पड़ता था। 2004 से बजीरंज महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार सीट का वृद्धि होते रहा है और 4 सेक्शन 3 सेक्शन 5 सेक्शन जितनी जरूरत पड़ती है। पूर्व वर्ष की भांति हम लोग 966 छात्रों का नामांकन यहाँ किए और 966 छात्रों का रिजल्ट एवं सीट वृद्धि का राशि भी इंटर काउंसिल में जमा कर दिया। अगर उसको विरोध करना था तो मेरा राशि नहीं लेता, हम लोग निश्चित रह गए कि हमारा राशि जमा है। जब पोर्टल खुला तो 384 पर स्टॉप कर दिया। हम लोग को समस्या वहाँ पर खटकी और प्रयासरत रहे कि सीट वृद्धि हो जाए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शिक्षा मंत्री, विधान पार्षद के पूर्व अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, यहाँ तक कि CP ठाकुर, सबों छात्र हित में लिख के दिए। मांझी जी ने कहा कि आनंद किशोर बाबू को डिफोल्केशन नहीं होगा, सीट वृद्धि ये छात्र का मामला है, संस्था में आग लग जाएगी। बताइए, आप जनहित के लिए बैठे हैं, किसी को ही करने के लिए बैठे हैं? हाँ हाँ करके टालते रहे। अंतोगत्वा हम लोग का वहीं का अधिकारी हिंट किया कि टाल रहे हैं, आप लोग को नहीं करेंगे, आप लोग चल जाइए हाईकोर्ट। और माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट याचिका किए 5 नवंबर को। हम लोग इस प्रयास में थे कि हम अपना फैसला लेके आएंगे और बच्चों का प्रैक्टिकल साथ साथ हो जाएगा, लड़का सफर नहीं करे। लेकिन बेंच बदल गया, चक्रधारी शरण सिंह से चलाया मोहित कुमार शाह में, और 15 की सुनवाई हुई। हमारे साथ भी एक कॉलेज इसी ढंग का है जहाँ 852 लड़के हैं, मुजफ्फरपुर का नरसू नारायण सिंह महाविद्यालय सिंघड़ा का, उसका यही मंथन करके रिजल्ट दिया गया, पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हुआ कि नहीं, छात्र हित को देखते हुए परीक्षा ली जाएगी, स्पेशल एग्जाम होगा और रिजल्ट भी साथ साथ होगा। इसी भरोसे के साथ वहाँ हम लोग तैनात हैं और हमारा भी डेट पड़ा है 4 फरवरी को, लेकिन उसमें हम लोग प्रयास है कि पहले भी आ जाए, 30 जनवरी ही रखा गया है, हमारा भी रिजल्ट वैसा ही आएगा। छात्र हित की बात है, जज ने स्वयं उस पर ठीक किया कि इसमें लड़का कोई दोषी नहीं है, ठीक है हम स्पेशल एग्जाम लेंगे। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूं कि समस्या का समाधान बैठ के होता है, ये जानकारी के अभाव में हुआ। आर्ट्स में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लड़के हैं सबका एडमिट कार्ड है, साइंस में 384 का है, एक्स जितने हैं सबका है, 300 जो वंचित रह जाएंगे उनका परीक्षा स्पेशल एग्जाम होगा, रियल साथ होगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे 64 कॉलेज का मामला था लेकिन मात्र 12 कॉलेज खड़ा उतरा जिसका रिजल्ट और सीट वृद्धि का पैसा जमा था। 12 महाविद्यालय पहले यह तय हो गया मांझी जी के तत्वानुसार वहाँ जो गया तो फाइल बढ़ गया कि 12 कॉलेज आपसे लाभान्वित हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ, किसी का आदेश नहीं पारित किया, अंत में हाईकोर्ट गए। और देखें 4 साल का दिखा है कि विगत 4 इस वर्ष क्या हो गया, वहाँ कटिंग है कि नामांकित छात्रों का सूचीकरण होगा, तो जब छात्र नामांकित हो गया तो सूचीकरण कौन करेगा? पिछले साल के दिखा है कि 4 सत्रों का एक्सटेंशन हुआ, तो इस वर्ष क्या पराजय निकलिए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा दायर है, जज इस बात को समझ रहे हैं, छात्र हित में रिजल्ट आएगा, बच्चों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। सर नवल किशोर सिंह, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य संवाद डिग्री शिक्षक क्षेत्र कर्मचारी महासंघ, जिला इकाई गया। आपको प्रिंसिपल साहब के द्वारा और प्रोफेसर साहब के द्वारा पता चल गया है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या का हल और समाधान खोजना चाहिए, और जब तक समस्या का समाधान तभी होगा जब कॉलेज प्रशासन, उसके बाद जो छात्र हैं, थाने के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब बैठ करके आपस में बातचीत कर करके और कोई समाधान निकाले। और कॉलेज प्रशासन को भी चाहिए कि लड़का से मदद की ज़रूरत है, अभी मामला हाईकोर्ट में है, 4 फरवरी तक मामला हो सकता है, संभवतः आ जाएगा। और निश्चित रूप से प्रिंसिपल साहब ये बोल रहे हैं कि हम लिखित आश्वासन सभी लड़का को देते हैं कि किसी भी लड़का के साथ भविष्य पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और भविष्य के साथ कोई ऐसा बात नहीं होगा, लेकिन इनको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो रिजल्ट आएगा वो साथ में ही, सबों का रिजल्ट साथ में आ जाएगा, लेकिन आगजनी करके, रोड जाम करके किसी हिस्से तो और समस्या के और बढ़ेगा और समस्या का कोई निदान नहीं। मेरा यही कहना है कि शांति बनाए। कितना लड़का का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका तो एग्जाम लिया जाएगा प्रैक्टिकल का, और उसका तब कब तक लिया जाएगा, और कैसे पता चलेगा कि इतना लड़का का जिसका हुआ है उतना का नाम है? बस यही मेरा प्रश्न, बस यही मेरा कहते हैं तो क्या हम
समस्या को लेकर के सुन लो पहले, आपकी समस्या को लेकर के सबसे पहले सुन लो। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गांधी से दो बार मिले, उन्होंने जो है कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं आनंद किशोर, उन्होंने उनसे स्पष्ट शब्दों में कहे कि किशोर जी अगर मान लेते हैं कि इन्होंने 966 लड़का का रिजल्ट जमा किए हैं, जिसका पैसा जमा किए हैं आपके काउंटर पर, उसका पूरा सबूत है, अगर मान लेते हैं 384 का अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 582 का अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, क्या उन सब छात्रों का अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है आपकी समस्या, लेकिन नहीं किए। अंत में जो हम शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, कहने का मतलब नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, अगर देखना चाहते हो तो तुम लोग मैं दे देता हूँ। देखिए अगर देखना चाहता है बाबू, देखिए सुन लीजिए, अनुशंसा करने के लिए उपरोक्त विषय के सरकार में निवेदन पूर्वक कहना है कि महाविद्यालय जिले को BA एंड BSc सहयोग में स्थायी समर्थन प्राप्त है। टेस्ट परीक्षा वाला फंस गया 266, अब पैसा भी जमा कर, परंतु कला में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वृद्धि 255 किया गया, राशि जमा रहते हुए वृद्धि नहीं किया गया, पैसा जमा किया, रिजल्ट जमा किया, तुम लोग का एडमिशन का लिस्ट वहाँ दे दिया, फिर भी तो ऐसो वृद्धि ISC ने नहीं किया। यह महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, उप महाविद्यालय के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी गया द्वारा इंटर विज्ञान में स्थायी संबंध अध्यक्ष महोदय को अनुशंसा करने की कृपा करेंगे, ये जीतन राम मांझी ने लिख करके दिया इंटर काउंसिल को, समझ गए? सुन लीजिए बाबू, पहले हमने जीतन राम मांझी के यहाँ ट्राई किए हैं, दो बार किए हैं, शिक्षा मंत्री से लिखवा के दिए, CP ठाकुर से लिखवा के दिए, अवधेश नारायण सिंह से कहे, सबको आश्वासन उन्होंने दिए सर, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किए। अंत में भी जो है से हमने जो है से 5 नवंबर को हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट में मेरा जो है से केस नंबर जो है से 22582 है। हमने पहले आपको जो है से मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है जिसका नाम है नरसिंह नारायण कॉलेज जो है से सिंगड़ा मुजफ्फरपुर, उसका जो है से इसी आधार पर उसका जो है से 850 विद्यार्थी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। पूरे बिहार राज्य में 85,000 विद्यार्थी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट जो है से उनका फैसला जो है से दे दिया है, उसी आधार पर मेरा भी फैसला आने वाला है। हम आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर ठीक है मान लेते तुम लोग जला दिया, और सुनो बाबू बाद में बजट बोलो, लेकिन हम लोग जनता कितना देर परेशान हो रहे हैं, 2 वर्षों से कौन सी है, हम लोग 2 वर्षों से परेशान हो रहे हैं, आपको परेशानी एक दिन से हो रही है, बात सही है क्या? पहले मैं बात करता हूं, बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं? हां बेटा सही है, 2 वर्ष करीब होने वाला है, 2 वर्ष से परेशान। अच्छा सुनो पहले, वो तो ले लिया गया सब, आप सुनो बताते हैं, अरे सुनो भाई भाई, अरे सुनो भाई नहीं, अरे सुनो ना हम बताते हैं भाई नहीं, अरे सुनो ना बताते हैं। अच्छा आज तुम्हारी बात कौन सुनते हैं, सुन लो ना, ऐसा तो कर, अच्छा सुन लो, अच्छा ऐसी, अरे सुनो पहले, अरे सुन लो, सुन लो पहले, सुन लो पहले, स्टूडेंट 1500 स्टूडेंट्स में मात्र 200 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया और किसी का नहीं आया है। हम लोग एडमिट कार्ड अपना मांगे तो बोला गया एडमिट कार्ड तुम लोग का मिल जाएगा और सबर करो, टाइम लगेगा, हो जाएगा, तुम लोग का टेंशन नहीं है।
कोर्ट में फैसला है, 4 तारीख को आने वाला फैसला, हम लोग को नहीं बताया गया, हम लोग से छुपाया गया है, रजिस्ट्रेशन घड़ी भी नहीं बताया गया, नहीं किसी टाइम बताया गया हम लोग का क्या है नहीं है, हम लोग को इन्फॉर्म किया जाता हर चीज़ का तो ठीक था, नहीं मेडिकल का एडमिट कार्ड जो हुआ है वो हम लोग को नहीं मिला, नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है। गए आप कॉलेज, गए तो कॉलेज में कौन कोई जवाब दिया? कोई नहीं, सारा जितना स्टाफ था सब फरार था, वो स्टाफ में था, ताला लगा हुआ था, 1000 रुपया कॉलेज में जमा कर चुके हैं, 2 साल अब बोला जा रहा है कि 2 साल अभी भरा वेट करो। पर हम लोग का रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं भेजा गया है और यहाँ कह रहा है कि तुम लोग रुको, एडमिट कार्ड मिलेगा, अब सदर एडमिट कार्ड सदरों एग्जाम हो रहा है पर ये बजरगंज कॉलेज में नहीं हो रहा है, कुछ लोग का हो चुका है, इसी कॉलेज का और लोग का मिल गया है, इसी कॉलेज में कुछ और लोग को मिल गया है पर हम लोग को नहीं मिला है, बहुत को नहीं मिला है, बहुत को मिला है जो कि प्राइवेट सर्विस जैसा नहीं कॉलेज में, जो वजीरगंज कॉलेज बज गए वहाँ नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग यहाँ रोड जाम किए हैं करके ताकि हम लोग का न्याय मिले। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार हाय हाय, कृष्णनंदन वर्मा हाय हाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.